गर्मी में आइसक्रीम तो बनता है राइट। तो स्वाद आपके लिए लेके आया है आइसक्रीम का कोर्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आप सोचोगे कि ये कोर्स ही क्यों? ये कोर्स मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने ये आइसक्रीम के कोर्स का शूटिंग किया था मेरे घर से, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। तो अभी तो हमारे पास 150 प्लस ऑनलाइन कोर्सेज है जो हमारे सारे नए स्टूडियो से हमने शूट किया है। अगर ये सारे कोर्सेज आपको विजिट करने हैं तो आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे और विजिट करो, या फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और आपको कहीं से भी कभी भी हमारी कोई भी कोर्स आपको बाय भी करने हैं आप कर सकते हो। पर अभी जो आपको फ्री कोर्स मिला है आइसक्रीम का, वो आप देखिए, आइसक्रीम बनाइए और मेरी तरह एंजॉय करिए। अभी मैं मेरा आइसक्रीम एंजॉय कर रही हूँ, आप भी बना के एंजॉय करिए। बाय। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूँ शेफ स्नेहा ठक्कर फ्रॉम सूरत। सूरत में हमारे सारे क्लासेस ऑफलाइन चलते हैं और बेसिक से लेके सर्टिफाइड कोर्स तक हमारे सारे कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं। तो अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो गूगल पे स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट सर्च करिए और हमारा पोस्ट ले लीजिए। चलिए आज हम स्वाद किचन में क्या सीखने वाले हैं। सो, गर्मी का मौसम आता है और आपके मुंह में आता है पानी नाम सुन के आइसक्रीम का। क्यों? क्योंकि जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आपकी जितनी भी गर्मी है वो गायब हो जाती है। तो गर्मी गायब करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक की आइसक्रीम खाना, डिजर्ट खाना, फालूदा लेना एंड कोल्को को पीना, सो गर्मी गायब हो जाती है। ये सारी चीजें हम आराम से आसानी से आपको स्वाद कुकिंग पे सिखाते हैं। तो कुछ भी आप सीख सकते हो स्वाद कुकिंग, पर आज हम सीखने वाले हैं बढ़िया बढ़िया फ्लेवर वाले आइसक्रीम। सो आइसक्रीम की बात जब आती है तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आइसक्रीम बाहर कैसे मिलती है और हम घर पे कैसे बनाते हैं। बाहर खाते हैं तो क्या फायदा है और घर पे खाते हैं तो क्या फायदा है। जब भी आइसक्रीम बाहर मिलती है तो ऑफकोर्स हमें कभी कभी खाना चाहिए, मैं भी खाती हूँ, पर जो हेल्दी वे से, हाइजीनिक वे से आप सोचते हो कि कम कैलोरी में और बहुत बढ़िया सा आइसक्रीम खानी चाहिए तो वो कैसे खा सकते हो? घर पे बना के ऑफकोर्स खा सकते हो, बजट वाइज वो बहुत कम होता है, हेल्थ वाइज अच्छा होता है, हाइजीनिक वे से अच्छा होता है। बहुत सारी आइसक्रीम मार्केट में प्योर मिल्क से भी नहीं बनती है। हम बनाएंगे प्योर मिल्क से आइसक्रीम और उसमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव के साथ जाएगा, क्योंकि कोई भी फूड पैकेट आप खाते हो, कोई भी डिजर्ट्स खाते हो, बाहर से कोई भी सॉसेस लेते हो, ऑफकोर्स उसमें प्रिजर्वेटिव आता है। तो ये तो अच्छा है ना कि आप अपनी आंखों से देख के प्रिजर्वेटिव को डाल रहे हैं कि मैं कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज कर रही हूँ। एक्चुअल वो ज्यादा हार्ड केमिकल तो नहीं है, वो आप खुद स्योरिटी के साथ बना सकते हो। चलिए तो हम जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको उनके इंग्रेडिएंट के बारे में समझा देती हूँ कि कैसे कैसे इंग्रेडिएंट से किस तरीके से आइसक्रीम बनता है आपके लिए। तो अभी हम देखते हैं आइसक्रीम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज अ मिल्क। बिना मिल्क हम आइसक्रीम नहीं बनाएंगे। बहुत सारी जानी मानी कंपनी मिल्क से बनाती है, बहुत सारे आइसक्रीम बाजार में वेजिटेबल घी से भी बनते हैं। और उसका एक चेकिंग मैं आपको बताती हूँ कि बाहर जब आप आइसक्रीम खाने चाहते हो चम्मच से या उंगली से क्लीन करो एंड आपका बाउल एकदम नीट एंड क्लीन हो गया तो समझ लो वो मिल्क का आइसक्रीम नहीं है। बहुत लॉन्ग टाइम नहीं पिघलता है तो समझ लो उसमें एकदम हार्ड केमिकल यूज किए गए हैं। हमारा घर का आइसक्रीम थोड़ा तुरंत मेल्ट भी होगा एंड आप चम्मच से कितना भी क्लीन करने की कोशिश को इसमें मिल्क के डॉट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। दैट मींस ये हमारा प्योर मिल्क का आइसक्रीम है। तो मैं आपको उसके मेन इंग्रेडिएंट के बारे में बताती हूँ। हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट इज अ मिल्क। सो हम जो मिल्क से बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा टेट्रापैक वाला अमूल गोल्ड से बनाने वाले हैं। सो अमूल गोल्ड जो है, ऐसा नहीं है कि आपको अमूल गोल्ड, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी मिल्क होता है वो आप ले सकते हो, पर मैक्सिमम 7 to 8 फैट तक का मिल्क आप लोगे तो दिस इज फाइन, क्योंकि मैक्सिमम फैट वाला, फुल फैट वाला मिल्क जितना अच्छा लोगे इतनी आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी अच्छी आएगी। सेकेंड इंग्रेडिएंट उनका मेन रहता है GMS पाउडर। व्हाट इज GMS पाउडर? जो GMS पाउडर है ना वो आपके अंदर जो आइसक्रीम में वर्क क्या करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल GMS पाउडर जो है वो ग्लाइसरॉल मोनोस्ट्रेट है। सो ग्लाइसरॉल मोनोस्ट्रेट यानी कि एक
ये थिकनिंग एजेंट है। सो थिकनिंग एजेंट क्या काम करता है, आपके आइसक्रीम को थिकनिंग देता है, वो एंटी केकिंग है और वो बहुत ही अच्छे से आपके आइसक्रीम को सेल्फ लाइफ भी देता है और इतना अच्छा थिकनिंग होता है जिसकी वजह से आपका आइसक्रीम बढ़िया सा बनता है। सो वो एंटी केकिंग का काम करेगा, थिकनिंग का काम करेगा, एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। सो वो एक ऐसे इंग्रेडिएंट है कि जिसके बिना आप अगर आप आइसक्रीम बना भी लोगे तो इतना अच्छे से बाइंड नहीं होगा। तो ये जीएमएस की जो मैं आपको बात कर रही हूँ वो मेरे पास है यहाँ पे जीएमएस पाउडर, बहुत सारी कंपनी में आता है, आपको जो भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी सुपर स्टोर में, सुपर मार्केट में, किरियाना शॉप में, हर जगह पे मिलेगा। नहीं है तो आपको अमेजोन पे आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो या ऑफलाइन भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने जीएमएस के बारे में मैंने आपको बताया कि दिस इज अ थिकनिंग एजेंट और वो बहुत इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड इंग्रेडिएंट उसके साथ जो आता है वो है सीएमसी। सीएमसी जो होता है दो कंपनी में मेरे पास अभी अवेलेबल है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, एक है भारत है, एक निशाल है, वैकफील्ड का आता है। सो एनी टाइप ऑफ सीएमसी पाउडर आप यूज कर सकते हो। अभी सीएमसी पाउडर के ऊपर लिखा हुआ है देखो, सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोस, सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोस, यानी कि ये एक खुद प्रिजर्वेटिव भी है और वो काम करता है आपकी आइसक्रीम को ज्यादातर सेल्फ लाइफ देने का एंड वॉल्यूम बढ़ाता है। जब आप इसमें सीएमसी डालोगे फिर हम उसको बीट करते हैं फ्लेवर के साथ, तब वो वॉल्यूम बढ़ाता है, फूल के बढ़िया सी आइसक्रीम आपकी एकदम कम बजट में रेडी हो जाती है। तो ये जीएमएस एंड सीएमसी, बहुत लोग उसमें गलती करते हैं, जीएमसी सीएमसी जीएमएस सीएमएस कुछ गलत बोलते हैं, इसके लिए मैंने आज आपको उसका फुल फॉर्म बताया है। सो जीएमएस इज अ बेसिकली बाइंडिंग एजेंट, एक वो थिकनिंग का काम करता है, एंटी एजिंग का सॉरी एंटी केकिंग का काम करता है, एंड जो सीएमसी है वो आपका एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और एक स्टेबल करेगा आपके आइसक्रीम को, यानी स्टेबलाइजर का भी काम करेगा। तो ये दो बहुत जरूरी है जब आप प्रिजर्वेटिव के साथ और कम बजट में आइसक्रीम खाना चाहते हो। हमारा दूसरा भी क्लास है जिसमें नेचुरल आइसक्रीम्स हमारे आ रहे हैं, उसका भी वीडियो आएगा, बट ये है कम बजट वाला, कम कैलोरी वाला, कम टाइम में बनने वाला आइसक्रीम। चलिए, तो ये दोनों के अलावा एक और चीज इसमें जाएगी, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर जो सब लोग जानते हैं, वो भी एक मकाई का आटा होता है, उसको प्रोसेस कर करके एकदम व्हाइट फिनिश पाउडर बनता है जो भी आपका काम करता है बाइंडिंग का। सो यहाँ इंडिया के वेदर में या कहीं पे भी बहुत जल्दी से आपकी आइसक्रीम पिघलती नहीं है, राइट। देन फोर्थ वन इज अ मिल्क पाउडर। सो अमूलिया है, एवरीडे है, ऐसे कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर आप इजीली मार्केट सुपरमार्केट में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, वहां से ले सकते हो। सो अमूलिया या तो एवरीडे का मिल्क पाउडर क्या काम करेगा, आफ्टर ऑल आइसक्रीम इज अ मिल्क प्रोडक्ट फाइनली, जो आप उसको प्योर उसमें देखा जाए तो इसमें इसीलिए मिल्क पाउडर जाता है, इसके लिए फ्रेश क्रीम जाता है, इसके लिए मिल्क जाता है, सारे मिल्क पाउडर्स और सारे मिल्क प्रोडक्ट से ये चीजें बनती है। मिल्क से क्या होता है, मिल्क को आप गर्म करते हो, तो ऊपर से मलाई यानी क्रीम निकलती है, क्रीम को आप स्टोर करते हो तो इसमें से बनता है बटर, बटर को गर्म करते हैं तो बटर एंड घी के बीच का एक इंग्रेडिएंट बनता है, दिस इज अ मार्गरिन, और फिर उसको ज्यादा गर्म करते तब जाके बनता है घी, और यही दूध को बहुत उबाल के शक्कर के साथ उबालते हैं तो वो बन जाता है कंडेंस मिल्क, इसका भी हमारा वीडियो यूट्यूब पे है, उसको और ज्यादा पकाते हैं और थोड़ा थिक करते हैं तो बन जाता है इसमें से खोया यानी कि मावा, और अगर उसी को प्रोसेस में डालते हैं मशीन प्रोसेस में तो इसमें से बनता है मिल्क पाउडर। तो ये सारे मिल्क प्रोडक्ट है और जो प्योर है जिसमें से हम सारे आइसक्रीम बना लेते हैं। चलिए और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, दूध अगर आपके पास कोई ऐसा होगा, देखो जैसे ये मेरे पास शक्ति है तो उसमें 4.5% फैट लिखा हुआ है, सो ऑलवेज चेक फैट एंड कैलोरी लेवल, ठीक है। सो 5% से लेके 8% तक आपको अमूल शक्ति, अमूल गोल्ड, यहाँ इंडिया एंड गुजरात में वो मिलता है,
बॉम्बे साइड, मुंबई साइड महानंदा का मिल्क मिलता है, और जैसे जहां पे भी आप हो वहां पे अलग अलग टाइप के मिल्क मिलते हैं, आप श्योर करिए कि कौन सा अच्छा है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि लाइक दूध कल से आपके पास पड़ा है और उसमें से क्रीम निकल गई है एंड आपको वेस्ट है, अभी बेस बनाना है, बना सकते हो, बट थोड़ा क्वांटिटी कम बनेगा, बाकी कोई इश्यू नहीं है, आपको फिर आइसक्रीम में क्रीम ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वो सारे पाउडर मैंने निकाले हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारे पाउडर आपको दिख रहा है व्हाइट। हम तो कभी कभी किटी पार्टी में गेम भी खेलते हैं कि बहुत सारे 12 पाउडर व्हाइट रख देते हैं और फिर उनको चूज करना होता है, समझना होता है हाथ में फिल करके, तो दैट टाइप ऑफ हो गया कि इसमें से क्या है। तो एक्चुअल एक्सपर्ट या तो एक्चुअल हाउसवाइफ वो होनी चाहिए जिसको फिल करने से पता चले। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि ये जो मेरा है वो GMS पाउडर, उसका फील आपको जैसे हम बूरा खमंड लेते हैं ना, कोकोनट का बूरा, उसका जैसे लगेगा, पर हाथ में चिपचिपा लगेगा और ऐसी उसकी एकदम रफ वो उसका टेक्सचर होगा। और ये जो CMC है वो एकदम आपका टेलकम पाउडर आता है वैसा फील आएगा हाथ में पकड़ोगे तो। तो ये दोनों में ये आपको फर्क पता चल जाएगा। देन कॉर्नस्टार्च है, कॉर्नस्टार्च सबको पता है वो चावल के आटे जैसा लगता है, एकदम स्मूथ लगता है। इसके बाद हमारे पास है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का कलर हमेशा खोया जैसा, क्योंकि ये उबाल के बना हुआ है, उसको आप फील करोगे तो आपको वो भी करकरा लगेगा थोड़ा एंड उसका कलर आएगा ऑफ वाइट यानी कि खोया जैसा। तो ये फ्रेशर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको देख के या तो टेस्ट करके भी पता चले। एंड एक इंग्रेडिएंट है उसमें शक्कर, सो शक्कर आपके टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे जो लेने वाली हूँ इससे ज्यादा या कम आप कर सकते हो, पर कैसे, क्योंकि जब भी हमारा जो बेसिकली ये ऐसा है कि एक हम आइसक्रीम का बेस बनाने वाले राइट, सो आइसक्रीम का बेस बनने के बाद 1-to-1 फ्लेवर डाल के भी करने वाले हो, दूसरा हम नेचुरल में से भी करने वाले हो। जब आप फ्लेवर डालते हो तो मानो कि आपने रोज आइसक्रीम बनाया तो रोज सिरप जाएगा, केसर पिस्ता में केसर सिरप जाएगा, गुलकंद जाएगा, पान मसाला में पान मसाला जाएगा। सो ऑलरेडी फ्लेवर हमारे ऑलमोस्ट स्वीट रहते हैं, तो हमने यहाँ पे मेजर थोड़ा कम किया है। नॉर्मली 6 टेबलस्पून तक आप डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि कम लोग अभी चीनी कम ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, कम पसंद करते हैं, सो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून चीनी लिया हुआ है। ठीक है, आप 5-6 टेबलस्पून तक कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर फ्लेवर राइट। सो यहाँ पे हमने देखा है ये सारे इंग्रेडिएंट के बारे में, और अभी हम आते हैं कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, किस तरीके से उसको स्टोर करें, फिर उसको कैसे बिट करें और फिर उसको कैसे प्रेजेंट करके खाएं। सो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, बाकी बनाने का टाइम आपका 10-15 मिनट्स। चलिए तो बनाना शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो आइसक्रीम हम बनाएंगे उसके लिए हमने एक बेस बनाना है जिसको हम कहते हैं बेसिक आइसक्रीम। और बेसिक आइसक्रीम के वैसे 3 टाइप के बेस बनते हैं, पर मैं आपको ये कोर्स में एक बेस सिखाने वाली हूँ जिसको हम कहेंगे प्लेन बेसिक आइसक्रीम। आगे हमारा चॉकलेट का है, बटरस्कॉच का है, नेचुरल का है, नेचुरल 2 है, चॉकोबार है, आइसक्रीम केक्स है, कसाटा है, बूंदी आइसक्रीम, बहुत सारे आइसक्रीम हमारे आ रहे हैं। पहले आप ये टेस्ट करिए फिर हम दूसरे करेंगे। तो अभी हमारे पास जो है वो मैं बता रही हूँ आपको 1-to-1 मेजर के बारे में। वैसे हमारा यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें आप देख सकते हो हाउ टू मेजर इंग्रेडिएंट, देन चेक एंड फिर आप बनाना शुरू करना। सो कप मेजर हमेशा आप देखते हो तो इस टाइप के कप मार्केट में अवेलेबल है, इस टाइप के अवेलेबल है, इसमें 1 कप 1/2 कप, वो वीडियो में आप देख लेना, बट वीडियो में मैंने ये चीज नहीं डाली है, तो आप देख लो कि ऐसे मेजर का ग्लास भी आता है। मोस्ट प्रोबली ये आपका जो ग्राइंडर मिक्सचर होगा उसमें भी साथ में आया होता है। यहाँ पे भी मिलीलीटर, यहाँ पे शक्कर, ग्राम, सब कुछ होता है, वैसे भी आप चेक करके ले सकते हो राइट। और वैसे हम देखा जाए तो ये अमूल गोल्ड का एक हमारा पैक है वो 1 लीटर का आता है, और ये बैग 500 ml की आती है राइट। 200 ml की भी बैग आती है, वो आपको 4 बैग लेनी, सॉरी 2.5 बैग लेनी पड़ेगी, ये एक है और ये आधा लेना पड़ेगा क्योंकि ये 1 लीटर का आता है। सो अगर 1 लीटर बेस आप बना रहे हो तो सारे इंग्रेडिएंट को आपको डबल करना पड़ेगा,
बेसिकली मैंने सब में 500 ml का बताया है. क्यों? क्योंकि 500 ml में से ऐसे दो डिब्बे आइसक्रीम बनने वाला है, ऐसे दो डिब्बे. सो ये आपका एक फैमिली पैक हो गया. वैसे दो फैमिली पैक आइसक्रीम आपका बिलीव नहीं करोगे ओनली 500 ml में से. और 500 ml में ये पाउडर ज्यादा से ज्यादा जाता है आपका 20-25 रुपए का, राइट. मेन इज अ टेक्निक और रेस्टिंग टाइम ज्यादा है, बनाने का भी इतना टाइम नहीं है. तो बहुत इजीली आप 50 फ्लेवर भी इसमें से बना सकते हो. चलिए तो मैं अभी मेजरमेंट का एक बार वापस दिखा देती हूँ कि जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट मैंने लिए है वो 1 tablespoon में लिए है. तो 1, 1.5, 1, तो ये इस टाइप का मार्केट में अवेलेबल है. ऐसा अवेलेबल है, ऐसा अवेलेबल है, एंड दिस टाइप. ये 4 1 tablespoon ही है, कोई भी कंपनी का आप पकड़ लो, राइट. एंड अगर फिलहाल आपके पास ये घर पे नहीं है तो मैंने ऐसे 2 spoon घर में से लिए हैं जो जनरली सेट में मार्केट में मिलते हैं. तो ये 1 tablespoon लगल करके देख लो और ये 1 teaspoon लगल करके देख लो, राइट. एंड पिंच ऑफ यानी कि 1/8 cm से डालना होगा. तो ऐसी कोई छोटी स्पून की धार पे आए ना इतना ही डालो. अभी फिलहाल घर में से ऐसे भी आप ले सकते हो. और 200 ml यानी हमारा टी कप आता है वो मोस्ट प्रोबेबली 150 ml का आता है, तो वो आप एडजस्ट करके ले सकते हो. पर ज्यादातर इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, आप एमेजोन से खरीद लो और उसी से मेजर करके ही बेकरी एंड कन्फेक्शनरी बनता है, ठीक है. चलिए तो अभी हम शुरू करते हैं उसको क्या करना है, किस तरीके से बनाना है. अब मुझे सबसे पहले जो बेस बनाना है इसके लिए मैं यहाँ पे दूध लेती हूँ और दूध को गर्म करने के लिए रख देती हूँ. सो ये दूध आप एक बार ओपन करने के बाद दूसरे दिन तक रेफ्रिजरेटर कर सकते हो या तो फ्रीजर में रख सकते हो, पर एक दिन के बाद आपको उसको यूज कर लेना है, ठीक है. सो ये दोनों नॉर्मल टेम्परेचर का ही मैंने मिल्क लिया है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको क्या करना है, गर्म ही करना है. सो ऐसे उसको खोल दीजिए एंड इसी से आप जस्ट हल्का सा कट कर लीजिए एंड फिर मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और यहाँ पे मेरा जाएगा 500 ml मिल्क. सो यहाँ पे मेरे पास है जिसमें हम 500 ml कर लेते हैं. सो 500 ml मिल्क आपने लेना है और ये आधा पैकेट मेरा यूज हो गया है, ये 1 liter का पैकेट है. अभी हम यहाँ पे दूध गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ल्यूकवॉर्म मिल्क होने देंगे. अब मिल्क थोड़ा ल्यूकवॉर्म हो जाए फिर उसमें वापस मैं इसमें से आधा दूध निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद हम ये जो पाउडर है वो उसके पहले इसमें डाल देंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये मेरा है GMS पाउडर. GMS पाउडर आपका जाएगा यहाँ पे फुल 1 tablespoon भर के, फुल भर के. वैसे 1.5 tablespoon भी आप ले सकते हो पर इस वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, थोड़ा चिपचिपा आइसक्रीम हो जाता है जैसे आपने बहुत क्रीम डाला है. तो मैं यहाँ पे 1 tablespoon फुल यानी 1 teaspoon 3 होती है क्योंकि ये 3 मिला के 15 ml और ये 1 मिला के 15 ml, राइट. तो 3 spoon इज इक्वल टू 1 tablespoon, वो आप हमारे वीडियो में देख लेना. सो यहाँ पे फुल भर के मैंने लिया है यहाँ पे GMS और CMC 1/4 का यहाँ पे सर्कल आता है वो आधा, BCR ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है. बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में केक बनाने के लिए, डिजर्ट बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए ये GMS CMC यूज होता ही है और आप लोग खाते ही हो. और जो हमारा फॉन्डेंट वगैरह बनता है उसकी गम पेस्ट में भी ये पाउडर यूज होता है, राइट. सो उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई हेल्थ इश्यू नहीं आता है, कोई कैंसर नहीं होता है, तो आप यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा 1/8 यानी जस्ट पिंच ऑफ मैंने डाला हुआ है और अभी इसमें जाएगा
कॉर्न फ्लावर या तो कॉर्न स्टार्च, वो जाता है 1 फुल भर के एंड यहाँ बॉल है पूरा वहां तक आधा यानी 1 एंड हाफ, या तो वो रेड वाली स्पून है उसमें आगे से लिया एक पीछे से, ये 1 और ये हाफ। ओके, सो ये मैंने 1 एंड हाफ टेबल स्पून ले लिया। अभी इसमें जाएगा मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून। मिल्क पाउडर आपके वेदर के हिसाब से आप ज्यादा ले सकते हो, मानो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी है, तो मिल्क पाउडर एंड कॉर्नस्टार्च आपको ज्यादा लेना है 3 टेबल स्पून, और ये शक्कर गई इसमें 4 टेबल स्पून। ये भी आराम से मैं करती हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि मेजरमेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, राइट। सो वो गलत किया आपने तो आगे का सारा काम आपका गलत होगा। सो दूध गर्म रखो और ये सारे पाउडर आप इसमें निकालो, जो जो पाउडर ले लिया वो साइड पे रखते जाओ, यही टेक्निक घर पे करो, वरना एक पाउडर दो बार गलती से डाल दिया क्योंकि सारे पाउडर व्हाइट है तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। सो थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म मिल्क जो मेरा हो गया है उसमें से मैं थोड़ा दूध ले लेती हूँ एंड इसमें ऐड करती हूँ। ये दूध हम क्यों यूज कर रहे हैं, बहुत ही ठीक होता है और ये पाउडर मिल्क होता है तो उसकी सेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है, सो दैट्स व्हाई आपका आइसक्रीम बिगड़ेगा नहीं, राइट। जैसे हमारा मिल्क पाउडर है वैसे ही ये दूध भी बनता है। चलिए तो हम यहाँ पे अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और थोड़ा हाई फ्लेम कर रहे हैं। दूध डालने के बाद बस हमने सारे पाउडर को इसमें मिला दिया और दूध मैंने ले लिया। जैसे एक दूध का उबाल आता है तब तक मैं इसको करने वाली हूँ हैंड ब्लेंडर, या आप शेक कर सकते हो, राइट। सो हैंड ब्लेंडर डालने से क्या होगा कि कहीं पे भी बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेगा और फिर वही दूध आपको इसमें मिक्स कर देना है। बहुत सिंपल है, 10 मिनट में आपका बेस बन जाएगा और फिर आपने उसको रख देना है फ्रीजर में। सो हमेशा बेस बनने के बाद उसको हम रखते हैं इन डिप फ्रीजर। सो डिप फ्रीजर में जब आप रखते हो मिनिमम 8 to 10 आवर्स आपको रखना है, और एल्यूमिनियम कंटेनर में, बिकॉज ऐसा होता है कि एल्यूमिनियम कंटेनर जो होता है वो बहुत अच्छे से आइसक्रीम की ठंडक को सेट करता है। अब आइसक्रीम की ठंडक को जब वो सेट करता है तो जल्दी से वो हार्ड हो जाता है। सो ऐसा कंटेनर आता है, इसका ऐसे ढक्कन आता है, राइट, एयरटाइट। और ये ब्रेड बॉक्स आपका बहुत सारे यूज में आता है, इसमें ब्रेड भी बनते हैं, इसमें स्लाइस केक्स बनते हैं, आइसक्रीम्स बनता है, सब में यूज हो जाता है। अब मजे की बात ये है कि जब आपने बेस इसमें बनाया, फिर 8 घंटे बाद, मानो कि किसी के यहाँ पुराना फ्रिज है या बहुत बड़ा फैमिली है, तो आप बेस्ट वे है कि रात को 12 बजे बना के फ्रीजर में छोड़ दो, सुबह होने के बाद उसका बेस बन गया, तुरंत निकालो, बिट करो, वापस डिप फ्रिज में डाल दो, क्योंकि अच्छे से वो जम जाए। बार बार फ्रिज खोलने से भी आपके आइसक्रीम जमने में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको ये करना है। और सेकेंड थिंग कि जब भी हम बेस को निकाल के उसमें फ्लेवर्स ऐड करने वाले हैं, तब क्या होगा, जब फ्लेवर्स ऐड करने वाले हैं तब आपको उसको डालना है ऐसे प्लास्टिक कंटेनर में और इसमें बेस जाएगा, राइट। सो ये 2 डिब्बे आप ध्यान रखिए, क्योंकि प्लास्टिक में इसलिए कि उसमें ठंडा जल्दी हो जाता है और डिमोल्ड भी जल्दी हो जाता है, सो निकल जल्दी जाता है, सो पत्थर जैसा नहीं होगा, पर बेस जो है ना वो हमको पत्थर जैसा बनाना है। जितना बेस हार्ड इतना आइसक्रीम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज गुड, राइट। पर जब भी आपका आइसक्रीम है वो इसके बाद सारे फ्लेवर्स डालने के बाद सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। सो वो फिर आपको डालना है प्लास्टिक कंटेनर में। जब आपके पास प्लास्टिक कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी फ्रिज के डिब्बे आते हैं रेगुलर वो भी ले सकते हो, या टपरवेयर के आते हैं वो भी ले सकते हो, और एल्यूमिनियम का नहीं है तो उसकी कोई पतीली या स्टील के बर्तन में भी होता है। सो अभी हमारा दूध गर्म हो गया है, वो हमने डाला हुआ है, थोड़ा और मैं डाल देती हूँ, और अभी मैं उसको करती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा गैस लो करके उसको हम करेंगे हैंड ब्लेंडर से पूरा चन कर देंगे।
तो इसमें हमने दूध एंड पाउडर को मिक्स किया है और उसके अंदर हम हैंड ब्लेंडर घुमा देंगे। ओके, वैसे तो ये आप ब्लेंडर नहीं भी घुमाओ तो भी चलता है, आप वो हमारी जैनी वगैरह आता है उससे भी कर लो, बट इसीलिए कि टीएमसी जस्ट पिंच ऑफ है। अगर आपने ब्लेंडर नहीं घुमाया या तो ऐसा कोई पतेला ले लिया कि घुमाते ही वो उछले और नीचे गिर गया और उसमें ही सीएमसी चला गया, तो आपकी आइसक्रीम सही नहीं बनेगी, राइट। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि बहुत अच्छा ऐसे गाढ़ा लिक्विड हो जाना चाहिए। अब मैं वो लिक्विड को यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये गर्म होता हुआ दूध में ऐड कर रही हूँ, और ये जो दूध है वो मेरा सिर्फ वन उबाल आया हुआ दूध है जिसको मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ। मैं रिपीट करती हूँ, इसमें मैंने 500 ml मिल्क लिया है, इसमें मैं 1 tablespoon फुल भर के GMS लेती हूँ एंड 1/8 यानी जस्ट पिंच ऑफ CMC। थोड़ा ज्यादा लोगे तो चलेगा पर बहुत ज्यादा कभी भी नहीं लेना है, उसका आइसक्रीम आपका चिपचिपा हो जाएगा। 1.5 tablespoon कॉर्न स्टार्च, 3 tablespoon मिल्क पाउडर एंड 4 tablespoon ऑफ शक्कर, राइट। और ल्यूकवार्म दूध किया और वो हमारा डाला हमने ग्लासेस में और उसको चर्न कर लिया, और अभी वो दूध मैंने वापस डाला है इसमें और अभी बिल्कुल भी चिपके नहीं, कंटिन्यूस स्टर करते रहो जब तक ये कंसिस्टेंसी रबड़ी जैसी ना हो जाए, राइट। फिर हम उसको यहाँ एल्यूमिनियम कंटेनर में निकालने वाले हैं, है ना इजी। तो ये 5-10 मिनट में आपका बेस बन जाता है, फिर ये कंटेनर में आप डालो, 8 घंटा उसको डिप फ्रीजर में स्टोर करो और फिर निकाल के उसमें फ्लेवर डालते जाओ, आइसक्रीम बनाते जाओ, भरते जाओ एंड फिर खाने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, तो देखिए ये मेरा बेस, मैंने अप्रोक्सीमेटली, अगर आप ये टेट्रापैक का मिल्क लेते हो तो आपका बेस बहुत जल्दी बन जाएगा, और ये हम बना रहे हैं प्लेन बेस, मैंने इसको 5 से 6 मिनट ही उबाला है, पर अगर आप कम फैट का मिल्क लोगे तो उसको 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। सो हमेशा ऐसी रेसिपी में टाइम पे नहीं जाना होता है और एग्जैक्ट हमारी बात पे भी नहीं जाना होता है, क्योंकि उसी टाइम आपके कंट्री का वेदर कैसा है, आपका पैन कैसा है, आपका गैस का फ्लेम कैसा है, सब इसके ऊपर डिपेंड है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सारे पाउडर की कंपनीज भी अलग होती है तो वो भी वैरी करता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरा बेस ऑलमोस्ट मुझे चाहिए वैसा हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिकनिंग होने वाला है। तो मैं पहले आपको इसमें निकाल के दिखाती हूँ, जस्ट चेक, क्योंकि इसमें बहुत श्योर रहना है, फिर आइसक्रीम तो आपकी फटाफट 10-10 मिनट में बनने वाली है, ठीक है। तो ये हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा 1 मिनट और कर लेंगे एंड ठंडा करेंगे ये कंटेनर में डालने के बाद, फिर फ्रीजर में जाने देंगे। और फ्रीजर में आपको ध्यान ये रखना है कि टेम्परेचर एकदम हाई फास्ट नहीं करना है, मतलब कि आपका जो डिप फ्रीजर होता है वहां पे -degree में टेम्परेचर होता है, आपका रेफ्रिजरेटर होता है वहां पे 18-19 degree रहता है, और हमारा बाहर का इंडिया का वेदर 30-40 degree होता है, राइट। सो जो चीजों को आपको रेफ्रिजरेटर की जरूरत है तो उसको दूध के या तो वेजिटेबल को कम जरूरत है तो उस हिसाब से होता है। फिर दूध का यानी मिल्क कंटेनर सबसे ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर जो चिलर ट्रे आती है उसमें ऑलवेज बटर एंड चीज और सबको स्टोर किया जाता है, क्योंकि उन सबको नहीं जरूरत होती है फ्रीजर की, नहीं जरूरत होती है रेफ्रिजरेटर की। सो बीच का जो कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं चिलर ट्रे, राइट। और जो ऊपर हमारा रेफ्रिजरेटर है वो -degree में होता है, इसको हमेशा आप मीडियम पे रखो जब आप आइसक्रीम बना रहे हो, अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो उसमें आइस क्रिस्टल ज्यादा होने की संभावना होती है, ठीक है। चलिए तो इट्स डन ऑलरेडी, और इसको मैं वापिस आपको कंसिस्टेंसी बता देती हूँ।
दिख रहा है आपको, जैसे हम अंगूर रबड़ी या रस मलाई की रबड़ी ऐसे रबड़ी खाते हैं, वैसा कलर है। पर बी श्योर, अगर आप जो टेट्रापैक नहीं लोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और व्हाइट मिल्क से आपको इतना जल्दी कलर भी नहीं पकड़ेगा, तो वो उसमें कोई टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा आपका बेस। रेडी हो गया है हमारा यहाँ पर बढ़िया सा बेस, एंड इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। और ये जो बॉक्स है मेरा वो 1.5 लीटर का है, ऑलमोस्ट होता है 1 लीटर से 1.5 लीटर, डिपेंड्स, कभी थिक ज्यादा हो गया तो ज्यादा आ जाएगा, पतला रहेगा तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं उसको निकाल देती हूँ। और ये मेरा 2 नंबर का ब्रेड कंटेनर है, 3 नंबर का आता है, 1 से लेके 5 नंबर तक, 10 नंबर तक भी आता है। ये मेरा 2 नंबर का कंटेनर है जिसमें हम 1 लीटर तक स्टोर कर सकते हैं। चलिए, तो रेडी है हमारा बेस ठंडा होने के लिए, 1 घंटे के बाद बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आएगा, फिर डीप फ्रीजर में मीडियम टेम्परेचर सेट करके उसको ऐसे एयरटाइट करके रख देंगे इन डीप फ्रीजर। ओके, सो बेस बनाने के लिए आई थिंक सो आपको सारे क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे और आपको मजा आ गया होगा, और अभी से मुंह में पानी आता होगा कि कब मैम आइसक्रीम शुरू करें और हम सीख ले और बनाए। तो शुरू हो जाना, तैयार हो जाना आइसक्रीम बनाने के लिए, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम जरूर से आपके रिप्लाई करेंगे। ऐसे कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आपको करना है तो कॉल या व्हाट्सएप करो 9712307070 पे। बाय।